गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा ईवीएस में चैप्टर 5 चल रहा था, आधा लेसन मैंने पढ़ा दिया, अब आगे पढ़ाती हूँ। थिंग्स टू रिमेम्बर, कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए। कीप क्लासरूम क्लीन, हमें क्लास के रूम को साफ रखना चाहिए। डू नॉट मेक नॉइज, हमें क्लास में शोरगुल नहीं करना चाहिए। डू नॉट वॉल्स राइट ऑन वॉल्स, हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए। कीप स्कूल क्लीन, हमें स्कूल को साफ सुथरा रखना चाहिए। वियर नीट यूनिफॉर्म एवरीडे, हमें प्रत्येक दिन साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर आनी चाहिए। माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग, मेरी स्कूल का जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी है। द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ द स्कूल आर, स्कूल में कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं, यानी जगह होती हैं जिनके बारे में बताते हैं। जैसा कि लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय। ए प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रीड बुक्स, लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पर बच्चे जाकर के बुक्स पढ़ते हैं। टीचर्स स्टाफ रूम, स्कूल में टीचरों के लिए स्टाफ रूम भी होता है। ए प्लेस वेयर टीचर्स स्टडी एंड कीप दियर बिलोंगिंग्स, स्टाफ रूम वो होता है जहाँ पर टीचर अपनी बुक को स्टडी करते हैं और वहाँ पर जाके थोड़ी देर बैठते हैं। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मीन्स होता है खेल का मैदान। ए प्लेस वेयर स्टूडेंट प्ले, एक प्लेग्राउंड वो होता है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य जी का ऑफिस। ए प्लेस वेयर स्कूल प्रिंसिपल वर्क्स, प्रिंसिपल ऑफिस वो होता है जहाँ पर प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य जी कार्य करते हैं। म्यूजिक रूम, म्यूजिक मीन्स होता है संगीत और रूम मीन्स कमरा। ए प्लेस वेयर स्टूडेंट्स लर्न डांस एंड म्यूजिक, म्यूजिक रूम वो होता है जहाँ पर बच्चे डांस और संगीत दोनों ही सीखते हैं। ये बच्चों लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ जो मैंने इसमें वर्ड मीनिंग लगाई है उनको आप नीट एंड क्लीन नोटबुक में कर ले, साथ में इस लेसन की रीडिंग भी लगा ले। ओके, थैंक यू।